24 घंटे में उड़ीसा के अनेक अनेक जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। चार जगह पे हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया है। सबसे अधिक वर्षा कंधमाल के फुलवानी में 82.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर संबलपुर का 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर का 34.2 और कटक का 33 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। सीजनल टोटल की बात करें तो उड़ीसा में अभी तक 288.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें डिपार्चर अभी भी नेगेटिव है, 27% डिपार्चर चल रहा है। लो प्रेशर एरिया जो कि सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ बे बंगाल के ऊपर फॉर्म हुआ है, आज के दिन उसकी जो सर्कुलेशन है वो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक बनी रहेगी और यह सिस्टम हाइट के साथ साउथवर्ड की डायरेक्शन की तरफ टिल्ट रहेगा। यह सिस्टम आगे जाके और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा और यह सिस्टम नॉर्थवर्ड की तरफ मूव करते हुए उड़ीसा के बाद अगले दो दिन तक पहुंचेगा। और दूसरा जो सिस्टम मानसून ट्रफ है जो कि जैसलमेर, कोटा, गुना, मांडला, पेंडा रोड से होते हुए गोपालपुर और उसके बाद देन साउथ ईस्ट रोड की तरफ सेंट्रल लो प्रेशर एरिया जो कि सेंट्रल जॉइनिंग नॉर्थ बे बंगाल के ऊपर गैस सिस्टम समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर हाइट तक बना हुआ है। तीसरा जो सिस्टम में शियर जोन है जो कि अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ पे बना हुआ है जो कि समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर पे बना हुआ है। इन सिस्टम के प्रभाव की वजह से जो लो प्रेशर एरिया बना है उसकी वजह से जो स्क्वेली वेदर रहेगा और गस्ती से विंड स्पीड जो है 40 से 50 km/h रहने की संभावना है। इसके साथ इसकी वजह से जो समुद्र की सतह है उसकी जो रफ टू वेरी रफ सिचुएशन रहेगी, इसलिए फिशरमैन जो है उनको जो मछुआरों को एडवाइस दी जाती है कि वो डीप सी के अंदर सेंट्रल जो है नॉर्थ बे बंगाल उड़ीसा वहाँ आके दिन जाने की मनाही है। उसके अलावा लॉन्ग एंड रॉक उड़ीसा को नॉर्थ बे बंगाल और जानी वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल में 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक अगले 5 दिन तक जो मनाई की जाती है। अब बात करते हैं फोरकास्ट की, तो फोरकास्ट में जो उड़ीसा में जो साउथ उड़ीसा है वहाँ पर ज्यादातर स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद नॉर्थ उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं वार्निंग की मलकानगिरी, कोरापुट, गजपति, गंजम, ये चार डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जहाँ पे संभावना है कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक दो स्थानों पर होने की संभावना से दी गई है। उसके बाद नवरंगपुर, कालाहांडी, रायगढ़, कंधमाल, नयागढ़, खुर्दा, पुरी, इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके बाद डे टू में भी जो हमारे जो जैसे लो प्रेशर एरिया नजदीक आएगा जो कोरापुट, नवरंगपुर और कालाहांडी इन सब डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, इसके लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। उसके अलावा पुरी, गंजम, गजपति, कंधमाल, बोध, मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज वार्निंग दी गई हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना। उसके साथ सटे हुए जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे येलो वार्निंग दी गई हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से। 20 तारीख को सोनपुर, बोध, नयागढ़ में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वजह से ऑरेंज वार्निंग दी गई है और बाकी जो साथ में सटे हुए आपके नुआपाड़ा, बोलांगी, कालाहांडी, कंधमाल, गंजम, गजपति और जो ऊपर नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट येलो कलर में दिख रहे हैं वहाँ पर आइसोलेटेड पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसके से येलो वार्निंग दी गई है। 21 तारीख को संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, केवंझर, मयूरभंज में और 22 तारीख को सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज में येलो वार्निंग दी गई हैवी रेनफॉल एक दो स्थान पे होने की संभावना की वजह से।